हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम द हिंदू वोकैबुलरी, और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम द हिंदू का एक एडिटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ में, और पहला वर्ड हमारा है अप्रोर। अप्रोर का मतलब होता है शोरगुल, हल्लागुल्ला, लाउड कन्फ्यूज नॉइज फॉर मैनी सोर्सेज, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज से बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्लागुल्ला मचना क्या कहलाता है अप्रोर। और सिनोनिम्स हो जाते हैं ब्रोहाहा, हबहब या फिर काजिन जैमर, ये भी आपका वर्ड है, और इन सभी का मतलब होता है बहुत अधिक शोरगुल हल्लागुल्ला होना। अगला वर्ड है हमारा एलेज। एलेज मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, बिना प्रमाण के किसी के ऊपर आरोप लगाना क्या कहलाता है अलेज। तो ये भी एक वर्ब है, मीनिंग हो जाता है टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट हैविंग एनी प्रूफ दैट इज ट्रू, यानी कि किसी के ऊपर आरोप लगाने को कहते हैं अलेज करना। ही हैज अलेज्ड दैट ही हैज किल्ड हिज ब्रदर। तो अलेज मतलब आरोप लगाना। सिनोनिम हो जाएंगे क्लेम करना, एसर्ट करना, डिक्लेयर करना, स्टेट, प्रोक्लेम, मेंटेन, एडवांस, कंटेंड, आर्ग्यू या फिर अफर्म करना। इसके अलावा कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब होता है, कंटेमिनेशन नाउन है, मतलब हो जाता है मिलावट करना, संदूषण यानी मिलावट करना किसी चीज में, से पानी में दूध में पानी मिलाना कंटेमिनेशन है, मिलावट करना है। द एक्शन और स्टेट ऑफ मेकिंग और बीइंग मेड इम्प्योर बाय पल्यूटिंग और पॉइजनिंग। तो द एक्शन और स्टेट ऑफ मेकिंग अ बीइंग, किसी चीज को जैसे मैंने बताया इम्प्योर बनाना, मिलावट करना क्या कहलाता है कंटेमिनेशन। सिनोनिम्स हो जाएंगे बिफाउल, डिफाइल, फाउल, पॉइजन, पल्यूट या फिर टेंट। इसके अलावा वर्ड है मैंडेट। मैंडेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिव समवन अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, यानी कि किसी को कोई अथॉरिटी देना, किसी पर्टिकुलर तरीके से काम करने की अथॉरिटी देना क्या कहलाता है मैंडेट। ठीक है, सो द राइटफुल किंग वॉज मैंडेटेड एंड सैंक्शन बाई गॉड, यानी कि किसी को कोई अधिकार देना कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैंडेट। तो डिक्री सिनोनिम हो जाएगा, इंजंक्शन हो जाएगा, इसके अलावा आपका डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, कमांड, सैंक्शन, ऑथराइजेशन, एडिक्ट, फियाट, वर्ड, गो अहेड, बिहेस्ट, परसेप्ट, कमीशन, चार्ज, इंपरेटिव, बिडिंग, डिक्टेट, ओके, वारंट, ये सारे आपके वर्ड हो जाएंगे मैंडेट। तो आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है तो उसके कहते हैं ना पब्लिक ने मैंडेट दिया, यानी कि पब्लिक ने हमें अथॉरिटी दी है। अगला है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग थलग करना, टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम द रेस्ट इज कॉल्ड सेग्रीगेट करना। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को एक दूसरे से अलग करना क्या कहलाता है सेग्रीगेट करना। सिनोनिम्स हो जाते हैं सेपरेट करना या फिर सेट अपार्ट, कीप अपार्ट, सॉर्ट आउट, आइसोलेट, क्वारंटाइन, आपने काफी ज्यादा सुना होगा किसी को पृथककरण करना, क्वारंटाइन कर देना, इंसुलेट, एक्सक्लूड या फिर क्लोज इट। इसके अलावा असुआज, असुआज क्या है वर्ब जिसका मतलब हो जाता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रांग, यानी कि किसी प्रतिकूल भावना आदि को, क्षीणता को कम करना, यानी कि किसी को मान लो आप किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है तो उसे असुआज करना, थोड़ा सा उसे कंसोल करना एक तरीके से। ठीक है, सिनोनिम हो जाते हैं एले, एलिविएट, लाइट एंड मिटिगेट या फिर रिलीव। कंप्लायंस क्या है नाउन है, मतलब हो जाता है अनुपालन करना या अनुरूपता। A hard hat must be worn at all times in compliance with safety regulation. तो कह रहा है कि example है कि अगर safety regulations के लिए आपको एक hard hat हमेशा पहननी चाहिए, तो compliance मतलब पालन करना। Synonym हो जाते हैं yielding, capitulation, agreement, acceptance, consent या फिर accession। इसके अलावा prevalent, prevalent मतलब होता है फैला हुआ, जैसे something this is widespread, यानी कि बहुत ही फैला हुआ है, widespread है, ऑलरेडी काफी फैला हुआ है। सिनोनिम्स हो जाते हैं वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग, फ्रीक्वेंट, यूजुअल, कॉमन, जनरल, यूनिवर्सल, परवेसिव, एक्सटेंसिव एक्सेट्रा। इसके अलावा अपेक्स, अपेक्स मतलब होता है जैसे आप अक्सर देखोगे सुप्रीम कोर्ट के लिए अक्सर लिख के आता है कि अपेक्स कोर्ट हैज स्टेटेड या अपेक्स कोर्ट हैज ऑर्डर्ड, तो अपेक्स का मतलब हो जाता है शीर्ष। ठीक है, सो द टॉप और हाइएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशली वन फॉर्मिंग अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एपेक्स, यानी शीर्ष किसी चीज का। सिनोनिम हो जाएगी टिप, पीक, समिट, पिनाकल, टॉप, हाइएस्ट पॉइंट, पार्ट, क्रेस्ट या फिर वर्टेक्स। इसके अलावा फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस क्या है आपका, फ्रैक्शियस बच्चों के लिए टिपिकली बच्चों के लिए आता है कि इरिटेबल और क्वेरसम, बहुत ही इरिटेबल हो जो इरिटेट करे आपको। दे फाइट एंड स्क्रैबल लाइक फ्रैक्शियस चिल्ड्रन। तो सिनोनिम हो जाएगी ग्रम्पी, ग्राउशी, क्रॉचटी, इन अ बैड मूड, कंटैकरस, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इल नेचर्ड, इल ह्यूमर्ड, पीविश या हैविंग। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरियल था, पढ़ते हैं। प्लगिंग द लीक ऑन जीएम राइस कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मतलब हो जाता है विवाद का इशू जिसपे कंट्रोवर्सी हो रही है। प्लगिंग द लीक, प्लगिंग द लीक का मतलब कि लीक को प्लग कर रहे हो, जैसे
मान लो कोई होल है उसमें आप अगर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे तो फिर वहां से लीकेज बंद हो जाएगी, तो एक तरीके से जो लीक हो रहा है उसको रोकने की बात हो रही है। कह रहा है इंडिया मस्ट एसुआज या इम्पोर्टर्स, यानी कि इम्पोर्टर्स को मनाना चाहिए भारत को दैट इट्स प्रोड्यूस इज कंप्लायंट विद ट्रेड डिमांड्स ऑन जीएम फूड्स, कि इसका जो प्रोड्यूस है यानी कि जो उसकी फसल है वो ट्रेड डिमांड्स जो है जीएम फूड्स की उससे अनुरूप हैं, उनको पालन कर रही हैं। कह रहा है सिंस जून से द एक्सपोर्ट्स ऑफ अबाउट 500 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया हैज ट्रिगर्ड एन अप्रोर इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। कह रहा है कि जून से 500 टन जो चावल का एक्सपोर्ट हुआ है भारत का, इसने ट्रिगर किया। ट्रिगर करना मतलब हो जाता है किसी चीज को तेजी से दे देना, ठीक है, ट्रिगर कर देना, यानी कि ट्रिगर वार्निंग, जिससे आप किसी चीज को ट्रिगर कर दें यानी कि उसमें आप बढ़ोतरी कर दें। तो कह रहे हैं सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में अप्रोर हो गया, शोरगुल हल्लागुला को बढ़ावा दे दिया है। किस ग्राउंड्स पे? कि चूंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस था। दिस इमर्ज, ये कैसे उठता है? दिस इमर्ज ड्यूरिंग अ चेक बाय द यूरोपियन कमीशन्स रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड। और ये किससे उपजा? ये हुआ तब जब यूरोपियन कमीशन का जो रैपिड अलर्ट सिस्टम है फूड और फीड का, वहां से ये चीज सामने आई। दैट वॉज टेस्टिंग राइस फ्लोर बाय द फ्रेंच कंपनी वेस्ट हो। जब वो राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे को वो चेक कर रहे थे जो कि फ्रेंच कंपनी वेस्ट हो के द्वारा बनाया जा रहा था। इन जून में फ्रांस हैड इशूड अ नोटिफिकेशन फॉर अनऑथराइज्ड जीएम राइस फ्लोर आइडेंटिफाइंग इंडिया एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये तब जून में फ्रांस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जो कि अनऑथराइज्ड यानी कि ऑथराइज नहीं था जीएम राइस फ्लोर का, और ये पता चला कि वो जो चावल था वो भारत से आया हुआ था। एंड अलर्टिंग, उसके बाद ऑस्ट्रिया में अलर्ट कर दिया, बेल्जियम में उन्होंने अलर्ट कर दिया, चेक रिपब्लिक में अलर्ट कर दिया, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, यूके और यूएस में एज द पॉसिबल डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मेड विद द फ्लोर। तो मतलब यहाँ पे वो प्रोडक्ट गया होगा शायद, तो इसलिए उन्होंने हर जगह अलर्ट जारी कर दिया। कह रहा है सो इन अगस्त, फिर अगस्त में क्या हुआ? द अमेरिकन फूड प्रोडक्ट्स कंपनी मार्स, fearing GM contamination, announced that it was recalling four of its product lines of crispy M&M GM free rice that is tagged as organic rice is among India's high value exports worth ₹63,000 crore annually. फिर अगस्त में अमेरिकन फूड कंपनी जो है मार्स, उसने इस डर से कि इसमें GM जो राइस है वो उसका मिलावट हो रखा होगा, तो उसने भी अपने चार प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट लाइन से वापस खींच लिया। कौन कौन से थे? क्रिस्पी M&M, GM फ्री राइस, जिसको ऑर्गेनिक राइस को टैग करके वो बेचते हैं, और भारत के हाई वैल्यू एक्सपोर्ट जो कि 63,000 करोड़ रुपए का है उसमें से। सो इंडिया डज नॉट परमिट द कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ GM राइस। कह रहा है कि भारत कॉमर्शियल कल्टिवेशन जो है GM राइस का उसको परमिट नहीं करता है। बट रिसर्च ग्रुप्स आर टेस्टिंग वेराइटीज ऑफ सच राइस इन ट्रायल प्लॉट्स। लेकिन जो रिसर्च ग्रुप्स हैं वो ट्रायल प्लॉट्स में ऐसी वेराइटीज को टेस्ट कर रहे हैं। So the suspicion is that, तो संदेह ये है suspicion is that rice from some of these test plots may have leaked. तो शायद इन जहां से वो टेस्टिंग हो रही थी वहां से शायद वो चावल का जो बीज है वो लीक हो गया होगा, यानी कि किसी तरीके से पहुंच गया होगा इन टू द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड फॉर द दिस पॉसिबिलिटी विद अ कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन एलिजिंग दैट द कंटेमिनेशन मे हैव हैपेंड इन यूरोप टू कट कॉस्ट। तो कह रहा है भारत सरकार का क्या इस पे वक्तव्य रहा? भारत सरकार ने इस तरीके के सारे आरोपों को दरकिनार किया, खारिज किया, और भारत सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो एक्सपोर्ट्स पर्सन, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि यूरोप में ही कुछ कंपनियों ने उसमें GM राइस मिला दिया हो, और ये आरोप लगाया कि क्योंकि कंटेमिनेशन किया हो, मिला दिया हो कॉस्ट को कम करने के लिए। However, India has indicated that it will commission an investigation involving its scientific bodies. कह रहा है कि और भारत ने कहा, हालांकि भारत ने ऐसा इशारा किया कि वो एक investigation committee बनाएगा scientific bodies को मिला के और इसको investigate करेगा। India's history of crop modification using GM is one of test plants finding their way to commercial cultivars before they were formally cleared. तो इंडिया का जो हिस्ट्री है क्रॉप मॉडिफिकेशन का GM राइस को यूज करके, वन ऑफ द टेस्ट प्लांट्स है फाइंडिंग दियर वे टू कॉमर्शियल कल्टीवर्स बिफोर दे वर फॉर्मली क्लियर, यानी कि अभी उसमें काफी समय है, वो अभी टेस्ट प्लांट्स में ही है। दस BT कॉटन वॉज वाइडली प्रिवेलेंट इन फार्मर फील्ड्स बिफोर बींग क्लियर।
तो और इसीलिए बीटी कॉटन जो है वो वाइडली फैल गया था फील्ड्स में जब इसके पहले कि उस पे क्लियरिटी मिलती, यानी कि वो अप्रूव होता है उसके पहले ही फर्स्ट रो में आ चुका था। डॉ दे हैव नॉट बीन क्लियर, यद्यपि उन्हें क्लियर नहीं किया गया था। बीटी ब्रिंजल आपको याद हो शायद एक बार इशू हुआ था, ये 2015-16 की बात होगी। एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वेराइटीज टू हैव बीन डिटेक्टेड इन फार्मर फील्ड्स, तो ये भी अप्रूव नहीं हुई थी और ये भी देखो फार्मर फील्ड्स में पाली गई थी। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ जीएम क्रॉप्स, और यद्यपि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो सुप्रीम बॉडी है जीएम क्रॉप्स के रेगुलेटर के रूप में, इट इज मैंडेटेड दैट द ट्रायल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम स्टेट्स, और ये जो जीएम क्रॉप्स का ट्रायल है इसकी परमिशन स्टेट से मिलती है। बिकॉज ऑफ द क्लोज कनेक्शंस बिटवीन फार्मर्स एंड स्टेट एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटीज विच आर कंटिन्यूअसली टेस्टिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एम्प्लॉइंग ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसजीन्स टू अदर नॉन ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन मैथड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ एंश्योरिंग दैट ट्रायल प्लॉट्स आर स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटेड फ्रॉम फार्म्स देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सीड में ट्रांसफर विद इन प्लॉट्स। कह रहा है कि चूंकि बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है फार्मर और स्टेट एग्रीकल्चर एंड यूनिवर्सिटीज के बीच में, जो स्टेट जैसे कानपुर में यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है उसके आसपास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन कानपुर में अब ऐसा नहीं है, बट पहले जब कानपुर में, चूंकि अब बसाहट हो चुकी है सारी जगह पे, लेकिन कानपुर में जहाँ पे मैं रहता हूँ इस एरिया में भी यहाँ पे दलहन अनुसंधान है यानी कि पल्सेस रिसर्च है, तो अब यहाँ पे बसाहट हो गई है, बट पहले जहाँ पे उनके खेत हैं उसी के पास में किसानों के भी खेत रहे होंगे। तो वो यही कह रहा है कि फार्मर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो खेत होते हैं वो पास पास ही होते हैं, और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कंटिन्यूअसली नई वेराइटीज़ को टेस्ट कर रहा होता है ऑफ क्रॉप्स एम्प्लॉइंग ऑल, उसमें सारे तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें ट्रांसजीन्स भी होते हैं, नॉन ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन मेथड्स भी होते हैं, और एंड द चैलेंजेस ऑफ एंश्योरिंग, और चैलेंज क्या होता है ये इंश्योर करने का कि जो ट्रायल प्लॉट्स हैं वो स्ट्रिक्टली जो किसानों के खेत हैं उनसे बहुत अलग कर लिए जाएं, अलग हों। देर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये संभावना है कि कोई सीड जो है वो एक दूसरे प्लॉट्स में जा सकता है, क्योंकि वो तो ऐसे फेंके जाते हैं। बिकॉज मैनी इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन इम्पोर्ट्स, और बहुत सारे इंडियन फार्मर्स यूरोपियन इम्पोर्ट पर निर्भर हैं, द सेंटर मस्ट रश टू एसुआज इम्पोर्टर्स दैट इंडियाज प्रोड्यूस इज कम्प्लायंट विद द ट्रेड डिमांड्स। कह रहा है कि इसलिए भारत सरकार को इसमें रश करना चाहिए, तुरंत दौड़ना चाहिए और उनको मनाना चाहिए और उनको ये बात पर भरोसा दिलाना चाहिए कि भारत के जो कि जो प्रोड्यूस है, भारत की जो फसल है वो ट्रेड डिमांड्स को फुलफिल करती है। द फ्रैक्चुअस हिस्ट्री ऑफ जीएम क्रॉप्स, यानी कि जो एक बड़ा ही अनॉइंग और इरिटेबल हिस्ट्री रही है जीएम क्रॉप्स की भारत में, इन इंडिया, मीन्स दैट पैशंस ऑफन रूल ओवर रीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ द सेफ्टी ऑफ जीएम क्रॉप्स। ठीक है, कह रहा है कि जो पैशंस हैं ऑफन रूल ओवर द रीजन ऑन क्वेश्चन, और मतलब इतना पैशनेट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा उसमें चीजें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार ये भूल जाते हैं हम कि जो उसका क्वेश्चन है सेफ्टी का जीएम क्रॉप्स का, वो भूल जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं हम कई बार। सो इंडिया मस्ट ऑल्सो मूव टू इंश्योर दैट रिसर्च इनटू ऑल अप्रोचेस जीएम और नॉन जीएम शुड नॉट बिकम अ कैजुअलिटी इन दिस मैटर ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस। कह रहा है कि इसलिए भारत को ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए, इंश्योर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब वो क्या सुनिश्चित करनी चाहिए कि इन सभी, अब चाहे जीएम क्रॉप का आप रिसर्च करिए चाहे नॉन जीएम क्रॉप का रिसर्च करिए, लेकिन ये एक तरीके की कैजुअलिटी नहीं बननी चाहिए। कैजुअलिटी मतलब किसी प्रकार की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कैजुअलिटी कहते हैं, तो मतलब एक तरीके से कोई एक्सीडेंट नहीं बननी चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस के साथ में। ऐसा ना हो कि आप ये जीएम और नॉन जीएम के टेस्टिंग करते रहो और उसकी वजह से पता चले भारत का एक्सपोर्ट ही बंद हो जाए, तो किसानों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा एडिटोरियल था ये आज का, मतलब काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला एंड वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे। देखो होता क्या, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप वोकैबुलरी बहुत सीखो, इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप समझ कितना पा रहे हो। अगर आप इसको धीरे 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 पढ़ने लगते हो और आपको एक दिन समझ में आने लग रहा है ना पैराग्राफ, तो आपकी वो असली सफलता है, बजाय बशर्ते आप मतलब वोकैबलरी तो आप में से काफ़ी लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स हैं या आते भी होंगे, लेकिन उनको हम क्वेश्चन में समझ पाएं वो एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।